खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां बरसाती मौसम के दौरान सड़कों में गड्ढे होने की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में धरना दिया। साथ ही विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व पर धरने में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर गड्ढे न भरने पर विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी। वहीं धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और कई स्थानों पर दीवारें भी टूट चुकी हैं। इसके बावजूद भी अधिकारियों ने कई बार शिकायतों के बाद भी मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया। इसी दौरान विधायक तिवारी ने कहा कि जनता इन खराब सड़कों से परेशान है और अधिकारियों की लापरवाही अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके तहत ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सड़कों के हालात का आकलन कर जल्द से जल्द सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। अल्मोड़ा विधानसभा की, चाहे वो आंतरिक मार्ग हो शहर के, चाहे वो राज्य योजना की मोटर मार्ग हो, चाहे अन्य मोटर मार्ग हो, लगातार उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं और दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो और विभागीय अधिकारी को बार बार पत्र के माध्यम से मौखिक सूचना दी गई है कि भी इसको तत्काल दुरुस्त किया जाए, और ये जिले का हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी तक ना पैचिंग वर्क हुआ है ना गड्ढे भरे गए हैं। और इसके साथ साथ जो अल्मोड़ा विधानसभा की मोटर मार्ग राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जिनका सैद्धांतिक प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है, उनका निर्माण कार्य त्वरित किया जाए, शीघ्र किया जाए। उसके साथ साथ जो मोटर मार्ग के आकलन भेजने के लिए प्रस्ताव दिया गया है जो विधानसभा के अंदर, उनका तत्काल आकलन बना के उनको शासन को भेजा जाए। और जो जहां पर, चाहे वो जॉइंट वेरिफिकेशन के लिए रुकी है, इंस्पेक्शन के लिए रुकी है, चाहे वो फॉरेस्ट में मामला रुका हुआ है, तो उसकी त्वरित उसकी कार्रवाई की जाए करके इन सब बातों को लेके। और विशेषकर अल्मोड़े में जो भीषण आपदा आई है, भीषण त्रासदी हुई है, भीषण जो वर्षा हुई है, उसमें जितने भी हमारे मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका तत्काल आकलन करके, उनका आकलन बना के प्रस्तुत किया जाए, भेजा जाए करके, और इनको गड्ढों को भरा जाए। तो इसको लेके आज कांग्रेस के पूरे यहाँ पर कार्यकर्ता धरने में बैठे हुए हैं, और हमारी मांग है कि तत्काल एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर गड्ढे भरे जाएं और जो शासन को आकलन भेजना उनको तत्काल आकलन भेजा जाए। आज आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमारा अल्मोड़ा शहर है, अल्मोड़ा विधानसभा से लगा हुआ क्षेत्र है हमारा, और सभी जितने भी हमारी अल्मोड़ा जिले का क्षेत्र है, आज आप अल्मोड़ा की स्थिति आप देखिए, तो अल्मोड़ा में जहाँ जहाँ है हर 10-10 मीटर के बाद एक बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, और इतने चेताने के बावजूद भी जो है अभी तक विभाग ने जो है कोई कार्रवाई नहीं करी। विधायक जी के नेतृत्व में आज ये आंदोलन का हमने आगाज किया है, और हमारी मांगे हैं कि एक हफ्ते के अंदर जो है रोडें यहाँ की दुरुस्त की जाए। अगर रोडें अगर दुरुस्त नहीं की जाती हैं तो आने वाले समय में हम अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में ऐसे अधिकारियों का हमें मुंह काला करना पड़ेगा, इनके ऑफिस की तालाबंदी करनी पड़ेगी। ऐसी स्थितियों को हमें मजबूर ना करें, ऐसा हमारा मानना है, और हमारी जो मांगे हैं उन्हें विभाग के कर्मचारी जो अधिकारी हैं उसको नियत समय में जो है पूरा करने का काम करें, और जो सारे गड्ढे हैं उन्हें भरने का काम करें।